कप्तान ने खेला एक नया दाव, कप्तान ने खेला एक नया दाव। भैया मैच से पहले, सीरीज से पहले ही कप्तान के कांप गए हैं पांव। हेलो एंड वेरी वेलकम वेलकम टू स्पोर्ट्स नेस्ट, मैं हूं आपके साथ श्रद्धा पांडे। देखिए बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की चमचमाती हुई शुरुआत 9 फरवरी से नागपुर में हो जाएगी, जब हम 5 दिन का टेस्ट मैच खेलेंगे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। लेकिन उससे पहले ही मुंह जुबानी जंग हो चुकी है। आपने देखा कि अभी कुछ टाइम पहले ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट ने अपने ट्विटर हैंडल पे 36 ऑल आउट, हमें स्लेज करने के लिए, हमें छेड़ने के लिए, पिन करने के लिए एक स्टोरी डाली। तो वो ये बेसिकली यही था कि आप सामने वाली टीम का मोराल डाउन कर देंगे, क्योंकि आपको याद होगा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो लास्ट ईयर हमने खेली थी 2021 वाली, उसमें एक मैच में 36 पे ऑल आउट हो गई थी टीम इंडिया। बहुत आलोचना हुई टीम इंडिया की, हालांकि उसके बाद गिर के उठने वाले को बाजीगर तो कहते हैं, लेकिन गिर के उठने वाले को टीम इंडिया भी कहते हैं। टीम इंडिया जिस तरीके से प्रदर्शन किया था उस 36 ऑल आउट के बाद, वो काबिलियत। तो बेसिकली क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को छेड़ना बहुत अच्छे से आता है, उंगलियां करनी बहुत अच्छे से आती है, लेकिन अब वही चीज़ है, इनको अगर उंगलियां करनी अच्छे से आती है तो हमें भी अजय देवगन की तरह उंगलियां तोड़ने से बहुत अच्छे से आती है। फिलहाल देखिए जोक सपाट आपको बता देती हूँ कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने एक वीडियो डाला था, जो मैं आपको कैप्टन की अभी बात कर रही थी ना, तो एक क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने एक वीडियो डाला, उसमें क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के, मतलब ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के जितने भी खिलाड़ी हैं, यानी डेविड वार्नर हो गए और साथ ही साथ हमारे पैट कमिंस हो गए, कप्तान साहब नितिन लायन हो गए, इन्होंने अपना अपना अनुभव शेयर किया कि भैया कैसा इनको लगता है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में खेल के। तो सबसे पहले डेविड वार्नर ने कहा कि ये बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है इनको इस सीरीज़ में, क्योंकि जब ये नंबर वन स्पिनर्स के साथ मुठभेड़ करते हुए नज़र आते हैं, इनके लिए एक बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट का लेवल ऊपर रहता है। उसके बाद देखिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे गेंदबाज जो हैं हमारे नितिन लायन, इनकी स्पिनर्स बैटरी है नितिन लायन टीम ऑस्ट्रेलिया की बेसिकली, तो इन्होंने भी कहा है कि बड़ा मज़ा आता है टीम इंडिया के साथ खेल के, कुछ सीखने को मिलता है। आप नंबर वन स्पिनर्स से एक मुठभेड़ करते हैं, आप उनसे आमना सामना करते हैं, तो बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है। लेकिन उसके बाद आए आपके कप्तान साहब, पैट कमिंस आप जानते हैं इस बार कप्तान बनकर आ रहे हैं, पिछली बार वाइस कैप्टन थे जब टिम पेन कैप्टन थे, तो अब जो है आपके पैट कमिंस कप्तान बनकर आ रहे हैं, उम्मीदें इनसे भी बहुत ज़्यादा है। तो इस वीडियो में जो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने शेयर की, जिसमें डेविड वार्नर, नेथन लायन वगैरह हैं, इसमें पैट कमिंस का भी एक चंक था, जिसमें पैट कमिंस कह रहे हैं हमारे लिए ये सीरीज जीतना बहुत ही ज़रूरी है और बहुत चुनौतीपूर्ण ये रहेगा सीरीज जीतना, क्योंकि आप जानते हैं कि 3-2 से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पर कब्जा जमा के टीम इंडिया बैठी हुई है, यानी 16-17 की ट्रॉफी हमारे पास है, उसके बाद देखिए 18-19 की ट्रॉफी हमारे पास है, 20-21 की ट्रॉफी हमारे पास है, तो चौथी बार लगातार हम जीतने के लिए मैदान में उतरेंगे। तो पैट कमिंस ने यही कहा कि बड़ा चुनौतीपूर्ण ये होगा टीम इंडिया के खिलाफ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पर अपनी धाक जमाना, बहुत मुश्किल होगा। और एक बड़ा स्टेटमेंट जो पैट कमिंस ने दिया वो ये था कि इस सीरीज को जीतना एशेज से भी बड़ा होगा। अब आप सोच लीजिए, एशेज, आप जानते हैं इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो सबसे बड़ी एक लीग खेली जाती है उसको हम एशेज कहते हैं, एशेज के नाम से वो बड़ा फेमस है। तो पैट कमिंस ने कह दिया है कि इंग्लैंड से जीतना कोई उतना बड़ी बात नहीं है जितना टीम इंडिया से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में जीतना है। तो एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट है और हमें एज एन इंडियन फैन, एज अ इंडियन व्यूअर, एज एन इंडियन बहुत गर्व करना चाहिए इस बात पर कि आपको ऑस्ट्रेलिया का कप्तान ये बोल रहा है कि हमारे लिए एशेज इंपॉर्टेंट नहीं है, इंग्लैंड से जीतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन हमारे लिए टीम इंडिया से जीतना, यानी बॉर्डर गावस्कर पर अपनी धाक जमानी, वो इंपॉर्टेंट है। तो बड़ा ही एक गर्व वाला फील हुआ कि भैया है हमारी इंडियन टीम भी है कि जिससे लोग थरथराते हैं, जिनके पैर कांपने लग जाते हैं सामने वाले को देख के। आप कमेंट्स के जरिए ज़रूर बताइए कि पैट कमिंस का ये बयान क्या पता कोई माइंड गेम है, क्या पता हमें, मतलब नहीं होता जैसे माइंड गेम से खेल ही रही है ऑस्ट्रेलिया। पहले डेविड वार्नर का ले लीजिए कि थका थका महसूस कर रहे हैं, अब उसके बाद प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं, तो ये माइंड गेम्स है या वाकई में पैट कमिंस ने टीम इंडिया की तारीफ करी है, कमेंट्स के जरिए बताइए। साथ ही साथ हमेशा की तरह अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को यार दे दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और स्पोर्ट्स नेशनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, आपने जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर दीजिए।